फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फोन पे ऐप से इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल को कैसे भर सकते हैं या फिर कैसे चेक कर सकते हैं हमारा इस समय बिजली बिल कितना आया है। अगर आप भी फोन पे ऐप से बिजली बिल को चेक करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैं ओपन कर लिया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए आपको जो दिखाई दे रहा है रिचार्ज एंड पे बिल, इसके सामने देखेंगे तो आपको व्यू ऑल दिखाई दे रहा है जो कि मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। उसके आपके सामने इस तरीके दिखाई देगा, मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग दिखाई देगा आपको, वाटर, यहाँ पे वाटर का बिजली बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है बिजली बिल भरने के लिए। ऊपर देखो सर्च बार में दिखाई दे रहा है सर्च बाय बिलर, आपको यहाँ पे अपने स्टेट का, अपने राज्य का, उस कंपनी का नाम देना होगा जो कंपनी आपका बिजली बिल लेता है, जमा कराता है, उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जो है बिजली बिल लेता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता है, इसीलिए मैं यहाँ पूर्वांचल विद्युत निगम टाइप जैसे कर दूंगा वैसे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता, आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता पूर्वांचल, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पूर्वांचल, जैसे टाइप के यहाँ देख सकते हैं पूर्वांचल विद्युत आज्ञा निगम, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके को सामने इस तरीके दिखाई देगा, ऊपर देख सकते दिखाई देगा कंज्यूमर नंबर, आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर देना है जो कि 10 अंक का देना है, 9 अंक का नहीं देना है। पहले आपका 9 अंक का कंज्यूमर नंबर हुआ करता था जो आपका वैलिड नहीं है, 10 अंक का कंज्यूमर नंबर देना होगा। अगर आपके पास 9 अंक का कंज्यूमर नंबर है तो आपको नजदीकी जो है, आपको जहाँ बिजली बिल ऑफलाइन लिया जाता है वहाँ पे जा करके आप उसे चेंज करा लीजिएगा, 10 अंक का कंज्यूमर नंबर आपको मिल जाएगा, आपको वही कंज्यूमर नंबर यहाँ पे डाल देना है 10 अंक का, उसे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई पेंडिंग बिल होगा दिखाई देगा, हमारा देख सकते हैं नो पेंडिंग बिल है, फिलहाल हमारा इस समय कोई पेंडिंग बिल नहीं है। अगर आपको कोई पेंडिंग बिल होगा दिखाई देगा, और जैसे भाई दिखाई देगा उसके नीचे देखेंगे सबसे नीचे पे का ऑप्शन दिखाई देगा, आप जैसे पे क्लिक करेंगे यूपीआई या बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर देंगे, आपका जो पेंडिंग बिल है वो आपका नो पेंडिंग बिल में बदल जाएगी या फिर आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को फोन पे ऐप से चेक भी कर सकते हैं, और आप इसी तरीके से जो भी बिजली बिल आया रहेगा फोन पे से आप उसे भर भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।